सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोके दुर्गा शिवं वाचे देवी त्वं भक्तसुलभं सर्वकार्यविधायिनी कलाधिकारसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश्च साधनम् मया त्वमेव स्नेहेन प्रम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायणशिः अनुष्टुप छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामविचेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिमशेषदन्तो स्वस्थे स्मिता मतिमतीव शुभां ददाति। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाचित्ता। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वरवस्त्रादिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। अरोगाशेषानपहंसितुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् स्वामाश्रितानां न विपन्नराणां स्वामाश्रिताय शयतां प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोकस्य हिरेश्वरी एवमेव प्रियाचार्यमस्मद्व्याधि विनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने। यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सति साक्षी भव प्रीता भवानी भवमोचनी। आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी प्रयागधारिणी चित्ता चण्ड घण्टा महातपा मनो बुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचिरिः सर्वमङ्गमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्दा भावणी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञ विनाशयी
अपर्णानेकवर्णाश्च पाटला पाटलावती पट्टां दर्पणीधारा कलमञ्जीररञ्जिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गा मणिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा देव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हरणी महिषासुरमर्दिनी मधुकैरवहन्त्री च चण्डमुण्ड विनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदा नवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैत्यकन्या च केशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती करारी च अनन्दा परमेश्वरी कात्यायणी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं प्रवटे नित्यं दुर्गा नाम शिवाष्टकम् आसाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं दधा चान्ते लभे मुक्तिं दशाश्वती कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजे परया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानुदासतां जान्ति राज्यक्षेमवाप्नुयात् गोरोचनालोक्तकुङ्कुमेण सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्ययन्त्रं विभिरा विधिज्ञो भवे सदाधार्ये पुरारिः ओमावाद्यानिशामग्रे चन्द्रे शर्भिषाङ्गते विलिख्य प्रभुते स्तोत्रं सर्ववे संवदां पदम् इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिश से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ दिव्याः कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गना सोक्तमातुः बीजम् देवबन्ध देवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा विद्यते सप्तशती पाराधत्येन जपे विनियोगा ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेवाच ॐ जद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्य चिराख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मवाय हस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यासु कवचं पुण्यं दक्षिणिष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी
तृतीयं चन्द्रघण्टे कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमाकेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवं सिद्धिरात्रि च नव दुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तानेकानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयादाः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे कावदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्त्या पितारूणं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्वरन्ति देवेषि रक्षसे तान् संशयः वेदसंस्थातु चामुण्डा वाराहीमहिषासुरा ऐन्द्रियसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारी शिवाहना लक्ष्मी पद्मासुना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाद्रा नानारत्नावशोभिताः दृश्यन्दरसमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हरं च मुसलायुधम् पेडकं गोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्तायुधानि तं देवानां च हिताय मे नमस्ते सु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि प्राविमां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराणि नैत्यां खड्गधारिणि प्रतीच्या वारुणि रक्ष वायव्या मृगवाहिणी उदीच्या वादु कौमारी एषाणाशूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्तान्वेष्टवी तथा एवं दस्तुषो रक्ष चामुण्डा शववाहन जया मे जाग्रता पातु विजया पातु पृथ्वः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिण चावराजिता शिखामुद्योदनी रक्ष दुमामूर्ति व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्ष्य यशस्विनी त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये जवघण्टा च नासिके शङ्कणि चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रोद्वारवासिनि कपालौकालिका रक्ष कर्णमूले तुषाङ्गरी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोश्च चर्चिका अधर चामृगलाजिह्वायां च सरस्वती कन्दा रक्षतु कौमारी कण्ठदेश तु चण्डिका कण्डिकां नित्यकण्ठा च महामाया चितालुके कामाक्षी चुकं रक्ष्य वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिर्कण्ठे नलिकां नलकुबरी कन्दयोः खड्गनी रक्ष्य बाहुमे वज्रहारिणी हस्तयो दण्डनी रक्ष्य दम्बिका चाङ्गुलेषु च नखांशूलेश्वरी रक्ष्य कुक्षो रक्ष्य कुलेश्वरी कणौ रक्ष्य महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी कामो च कामणि रक्ष्य गुह्यं गुह्येश्वरी तथा भूतना कामिका मेढं गुदमहिषवाहिणी कट्यां भगवती रक्ष्य जानुनि विन्ध्यवासुनि
जङ्गमावरारक्ष सर्वकामप्रदायिणि भूर्भुवरारसिंह च पादपृष्ठे दुदेजसि पादाङ्गुलेषु शिरक्षे पादाधस्तलवासिणि नखदष्टाकराणि च केशाक्षेवोद्धकेशणि रोमकूपेषु कोबेरि त्वजं भागेश्वरि तथा रक्तमज्जावसामान्यस्ति मेदांसि पार्वती मन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं जामुगुणेश्वरी पद्मावती पद्मकोश कभचूडामणिस्तः ज्वालामुखेन भज्ज्वालामभ्यध्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां सत्यैश्वरी तथा अहङ्कारं मनो बुद्धिं रक्ष मे धर्मधारिणी प्राणापाणौ तथा व्याणपुराणस्य समानकम् भज्जहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च यागने सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्ष्य नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी दशाकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष्य पशून्मे रक्ष चण्डिके उत्तारक्ष्यन्महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुभगा रक्ष्य मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचनुतु तत्सर्वं रक्ष्यमे देवी जयन्ती पावनाशिनि फलमेकं न गच्छेतु जनेच्छुभमात्मनः तव चेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमतुलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मत्या सङ्ग्रामेश पराजितः ते लोके तु भवेत् पूज्या कवचेनामृतः पुमान् इदं नो देव्याः कवचं देवानाम विदुर्लभम् जापरे प्रयतो नित्यं त्रिसङ्ग्रं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेश्वराजितः जीवे वर्षशतं साग्रं मम मृत्यु विवर्जितः दश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विश्वकादयः सावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्दिशम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूजराखे जराश्चैव जलजाशोदशिराः सजा कुलजामाराजागणीशा गणीसदा अन्तरिक्षरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतविशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माणा भैरवाः यक्षन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदि संस्थित मानो नृते भवे राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं वरम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जने सप्तशतिचण्डे भित्त्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं सत्ते स च लवणकारणं तावत्तिष्ठति मे दिन्यां सन्तति पुत्रपात्रिके देहान्ते परमं स्थानं यः सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यतः मायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ अथार्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अनुष्टव छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बापीतये सप्तशतीपाणावीड
जपे विनियोगा ओम नमः चंडिकायै मार्कण्डेय उवाच ओम जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कबालिनी दुर्गा च वार्षवा धात्रे स्वाहा सदा नमोऽस्तुते जय त्वं देवी चामुण्ड जय भूतादिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमोऽस्तुते मधुकैलवृद्धादिविधाते वरदे नमः रूपं देवी जयं देवी यशो देहि दिशो देहि महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि रक्तबीजावधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि शुम्भस्य शुम्भस्य भूम्राक्षमर्दिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि वन्दिता हृदुवे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि गणेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुर्दामहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि सुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि चण्डिके सततं त्वामर्चयन्देह भक्तिदः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विधेहि दुष्टतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विधेहि देहि कल्याणं विधेहि परमाशयं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि सुरासुरशिरोरत्नतिष्ठाचरणाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं धनञ्जयगुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि प्रचण्डदैत्यकर्मभिः चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रे संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि कृष्णेन संस्तुते देवि शशभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि हिमाचलसुदानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि इन्द्राणी परिसद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड जैत्यदर्प विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देवी भक्तयनोताम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुदारिणि तारिणि दुर्गे संसार सागरस्य कुलोद्भवा इदं स्तोत्रं वढित्वा तु महास्तोत्रं वढे नरः स तु सप्तशती संख्या परमाप्नोति संवदान् अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवालिः अनुष्टव छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा विद्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ विशुद्ध ज्ञान देहाय दिव्य दिव्य चक्षुषे
श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेदकिरानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सौविक्षेमम् आप्नोति सततम् जाम्यतत्परः सिद्ध्यम् तु चारणादीनि वस्तूनि सकलान्नपि एतेन स्तुताम् देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामन्त्रोणौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राणि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमाहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदम् शुभम् स्तोत्रम् मे चण्डिकायासु तत्र गुप्तम् जगारसः समाप्तेन च पुण्यस्य काव्यथा वर्णयन्त्रणाम् सोऽयिक्षेमवाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः इष्टाया वा चतुर्दश्यामष्टम् या वा समाहितः ददामि परिदीर्णादि नान्यथेषा प्रसीदति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलाभिधायेण नित्यम् जपति संस्फुटम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः नाचिवतस्तस्य भयम् क्वापि न जायते नाममित्यो वशम् याति मृतो मोक्षमवाप्न्यात् ज्ञात्वा प्रारम्भ कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिजगत्किञ्चिद्दृश्यते लरणार्जुने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन व्याप्यमिदम् शुभम् क्षणेषु यत्प्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सन्दत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रामे ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसन्दतः शत्रुहाणि परो मोक्षः श्रूयते सानकिञ्जनैः श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र आय गिरिनन्दिनि नन्दिनि वेश्य विनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध शिरोहिणि वादिनि ज्येष्ठो विलापिनि ज्येष्ठनुते भगवति सुरमर्दिनि रङ्गप्रपर्दिनि शैलसुते दूरवरवर्षिणि दूरधरवर्षिणि दूरमुखमर्दिनि हर्षरते त्रिभुवन भोजनि शङ्करदोषिणि किर्विषमोजनि सोजरते धनुजनि रोजिनि दिनदुरोषिणि दूरमदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रङ्गप्रपर्दिनि शैलसुते हरि जगदम् दबरम् दकरम् वनप्रियवासिनि नादरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गरि राय मध्यगते मधुमधुरे मधु चैतभगञ्जनि चैतभभञ्जनि नादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रङ्गकमर्दिनि शैलसुते हरि शतकण्ड विखण्डितरुण्डविदुण्डितशुण्ड गजाधिपते ऋभुगजगण्डविदारण चण्डपराक्रमशुण्डविगाधिपते मृगभुजदण्डनिपातितखण्ड विपातितमुण्डवटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते हरिरण दुर्मद शत्रु भगवति दुर्धर निर्धर शक्ति
चतुर विचार गुरु नमः शिव दूत कृत प्रमथाधिपते दुर्द गुरु हदुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रक्षकमर्दिनि शैलसुते हरि शरणागत वैभवर वीर बरा भयदाय करे त्रिभुवन शूल विरोधि शिरोधितापन शूल करे दुम दुम तामर दुन्दु विनाद मोम करि मंगले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रक्षकमर्दिनि शैलसुते हरि निज ॐ जगन्नाथ निराकृति धूम्र विलोचन धूम्रशते कमर विशोचित शोणित वीजतमोद्भव शोणित वीजलते शिव शिव शुम्भन शुम्भ महाहर तर्पित भूत विशाचलते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते धनुरनु चङ्कर रक्षण चङ्क परिस्तुर चङ्कन चङ्कके धनकर विषङ्ग विषकनि शङ्कर सद्धड शङ्कतावटुके कृत चतुरङ्क वलक्षति रङ्करङ्क रतुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते जय जय चक्र जय जय शक्तपरस्तुतत्पर विश्वसुते जन जन जिन्धिम जिन्द धनुपुर सिन्धित मोहित भूतपदे नटि नटाधनति नट नायक नाटित नाट सुरानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते हरि सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रित रजनी 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 गर्वप्रभृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते हरित महाहव मल्लम कल्लिक मल्लिक रल्लक मल्लरके विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्गभजे हितकृत मल्लस मल्लकितारुण तल्लज पल्लव सल्लरिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते अविरल गण्ड गलन्मग मे दुर्भक्तम दङ्गज राजपुते त्रिभुवन भूषण भूत कलानिधि रूप पयोनिधि राजसुते हरि सुन की जगलाल समाध मोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते कमल कलामल कोमल कान्ति कलाकलिकामल भालते सकल विलास कला निलय चमके कलहन्तकुले अनुकुल सङ्कुल कुवलय मण्डल मौलि मिलन्त कुलादिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते हर मुरलीर गीजित पूजित लज्जित कोकिल मञ्जुमते मृग सकुलेन्द्र मनोहर गुञ्जित रञ्जित शैलनि कुञ्जगुते द्विज गुण भूत महाशबरी गण सद्गुण सम्भृत कीर्तने जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते चन्द्ररुचे प्रणत सुरा दुर्मौणि पणि सुरदंशूलदण्डख चन्द्ररुचे युत कद कातल मौलि पदोचित निर्भर कुञ्जर कुम्भकुजे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते विजग सहस्रगरे कसहस्रगरे कसहस्रगरे कृते कृत तु
सुर तारक संबर तारक संगर तारक सुर सुदे सुरत समाधि समान समाधि समान समाधि सुजातर ते जय जय हे महिषासुर मंदिर रंग पर दिन शैल सुदे पद कमलम करुणा निलये परिवक्त्र योनो दिनं दशभे कमले कमलानिलये कमलानिलया सकतं न भवे तव पदमेव परं वरमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनिरं मेघपर्दिनिशैलसुते वर्णकल सत्कर सिन्धुधरे रणु सिन्धिरुते गुणरङ्ग भुवं भजति च किं न शते गुणमु चरणं शरणं करवाणि लगावरवाणि निवासि शिवं जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रङ्गकपर्दिनि शैलसुते तव मे बलेन्दुकुलं वदनेन्दुबलं सकलं ननुकूलयति किं पुरोद गुरेन्दुमुखे सुमुखे विरसौ विमुखे क्रियते मम तु मतं शिव नाम धने भवति कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते मयि मयि दीनदयालुतया कृपयेव त्वया भवितव्यनु मे अयि जगतो जननी कृपया यथाजि तथानुमृता चिरमे चुरी कुरुता कुरुता पमका कुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते भक्तियन अभी अंत में पृष्ठ नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्रान् क्रियन्ते हयनि समया काचोऽयं इति मा भक्त्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि राजानामि विसर्जन पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत्पूजितं मया देहि परिपूर्णं ददातु मे अपराधशतं कृत्वा जगरं नेति चोच्चरे यां गतिं समवाप्नोति दाता ब्रह्मादयासुरः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदं युगे इदानीम् अनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानाद्विष्वते भ्रान्त्या जान्योऽनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रतिया परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे देहानाचामि मां प्रीत्यः प्रतिया परमेश्वरि गुह्याति गुह्यगोप्रीतं देहानास्मत्कृतं जप सिद्धिर्भवतु मे देवि तत्प्रसादासुरेश्वरि ज्योता वाली माता सदा जय जयकारा श्री राम वाली जी दा भूल संचे दरबार की जय
अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अखिकनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पदमय स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओम का रख का नाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जान बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार, उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य सिद्धि है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सच्चिया ज्योता वाली तेरी सदा, जयकारा श्री राम वाली जी दा बोल सकते दरबार की। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना। एवं जा पूर्य भक्त्या प्रत्यहम परमेश्वरी मुक्त्वा भोगान यथा कामं देवी साज्य मापनीयात्। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्व परमेश्वरी का पूर्ण करता है वह मनोवांछित भोगों को भोगकर अंत में देवी का साज्य प्राप्त करता है। और जो ना पूजते नित्यम चंडिकाम भक्त वत्सलाम भस्मी कृत्या से पुण्यानि निर्धेत परमेश्वरी। जो भक्त वत्सला चंडिका का प्रतिदिन पूर्ण नहीं करता भक्ति परमेश्वरी उसके पुण्यों को लाकर भस्म कर देती है, क्योंकि सप्त जन्मार्थदयी घोरी ब्रह्म हत्या समेर अपि पाठ मात्र मंत्राणाम मुच्यते सर्व किल्मषी। सप्त मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य सात जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पातकों एवं समस्त कलमठों से मुक्त हो जाता है। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। योग योग में जभी जभी भी हम भक्तों पर कोई संकट काल आन पड़ा है उस समय माता जी ने स्तुति करने पर प्रकट होकर के अथवा किसी न किसी माध्यम से उनके सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण किया है, उनके कष्टों को दूर किया है। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जय, जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। काली काल में भी ऐसे कई उदाहरण देखे जाते हैं। यहीं आज से लगभग 700 वर्ष पहले कटरा के पास हंसाली नाम गांव में श्रीधर नाम जी के माता जी के अनन्य उपासक थे। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान उपरांत संध्या वंदन से निवृत्त होकर के गांव की छोटी छोटी कन्याओं को इकट्ठा करके उनका पूजन करना ये उनका नित्य का नियम था। और इस प्रकार नित्य प्रति कन्या पूजन से प्रसन्न होकर के स्वयं भगवती ने कन्या का रूप धारण किया और उन्हीं कन्याओं में सम्मिलित होकर के बैठ गई जहाँ प्रातः श्रीधर जी कन्या पूजन कर रहे थे। उसका विलक्षण दिव्य रूप था। स्वयं श्रीधर जी चकित थे क्योंकि वो आसपास की गांव की सभी कन्याओं से परिचित थे और स्वयं कन्याएं भी परिचित थी। वो देख रही थी ये दूसरी कन्या कौन है।
विधि पूर्वक पूजन हुआ और कन्या पूजन के उपरांत सभी कन्या जब अपने अपने घर चली गईं तो वह कन्या वहीं बैठी रही और उसने श्रीधर जी को कहा कि श्रीधर मैं तेरे इस नित्य व्रत कन्या पूजन से प्रसन्न हूँ, अभी तू इसका समापन कर, उद्यापन कर और आसपास जितने भी गांव हैं उन सभी में जो भंडारे का निमंत्रण दिया। इस प्रकार उस दिव्य कन्या की आज्ञा को शिरोधार्य करके श्रीधर जी गांव-गांव जाकर के सभी को भंडारे का निमंत्रण देने लगे। बीच बीच में उनका विश्वास टूट जाता था कि ना तो मेरे पास इतने भक्तों के बैठक स्थान है और ना ही भोज्य सामग्री है, किस प्रकार पूर्ण होगा। परंतु मन ही मन माता जी श्रीधर जी को आश्वस्त करते जाती थी और वह पुनः उनसे प्रेरणा प्राप्त करके आगे बढ़ते हुए जो सभी भक्तों को निमंत्रण देते जाते थे। वहीं उन्होंने शंकर जी के अवतार गुरु गोरखनाथ जी को 1008 शिष्यों के साथ देखा और उनको भी निमंत्रण दिया और आकर के घर में बैठ गए। भक्त यान आने लगे हैं और श्रीधर जी चिंतित हैं, परंतु माता जी ने स्वयं प्रकट होकर के उसी स्थान में जो श्रीधर जी के पास था बैठने के लिए सब भक्तों के लिए स्थान बनाया और ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त अपने कमंडल से 56 प्रकार के जो वैष्णवी भोजन निकाल करके सबको परोसने लगी। वहाँ भैरव देव जी बैठे हुए थे और उन्होंने तामसी भोजन के लिए कहा, परंतु माता ने कहा कि भैरव देव मेरा ये वैष्णवी भंडारा है और जहाँ तक उसको वैष्णव भोजन प्राप्त होगा, परंतु उसके पुनः आग्रह करने पर जब उसको भोजन तामसी भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो क्रोध आ गया, क्योंकि गीता में लिखा है कि विषयान पुंसा कामो जायते कामा भवती क्रोधा क्रोधा भवती सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति वंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रनश्यति। विषयों का स्मरण करने से हमें क्रोध पैदा होता है, क्रोधा फिर सम्मोह पैदा होता है, फिर सम्मोह होने से हमारी स्मृति भ्रंश हो जाती है और स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश हो जाता है और बुद्धि नाश प्रनश्यति सब कुछ नाश होता है। ऐसा ही जब उसको तामसी भोज नहीं मिला तो क्रोध आया और उसने माता जी को बाजू से पकड़ना चाहा। उसी समय माता जी वहां से अंतर्धान होकर के अपने लंगर वीर के साथ वान गंगा में प्रकट हुई। यहाँ वान गंगा है, यहाँ बियावान जंगल था। लंगर वीर को प्यास लगी और माता जी ने वान द्वारा वहां गंगा निकाली और लंगर वीर की प्यास को बुझाया। तभी से ये वान गंगा के नाम से प्रसिद्ध हैं और वहीं इन्होंने अपने केश बाल भी धोए तो इनको बाल गंगा भी कहा जाता है। आगे जाके जहाँ चरण पाद का है माता जी ने अपने चरण चिन्ह रखे, जहाँ भक्तजन अभी भी माता जी का चरणों ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं। आगे कई माल पीछे देखा तो भैरव पीछे पीछे माता जी को ढूंढते हुए आ रहा था। वहाँ यहाँ अर्धकुंवारी है जहाँ पर माता जी ने त्रिशूल द्वारा एक कंदरा बनाई, गुफा बनाई और वहाँ पर बैठ करके 9 महीने तपस्या की। जिस प्रकार बच्चा माता के गर्भ में रहता है इसी प्रकार 9 महीने माता जी यहाँ पर तपस्या करती रही, तभी से ये गर्भ जून के नाम से विख्यात हुई। भैरव देव जी को पता चला कि वे दिव्य कन्या इस गुफा में जो बैठी हुई हैं तपस्या कर रही हैं, जब वो अंदर प्रवेश कर लगे तो माता जी ने दूसरी तरफ से जो त्रिशूल द्वारा मार्ग बनाया और वहां से निकल करके अपने लंगर वीर के साथ यहाँ इन्हीं तीनों महाशक्तियों में समाहित हो गई, समाधिस्थ हो गई और लंगर वीर जी प्रहरी के रूप में जहाँ द्वार पर खड़े हो गए। भैरव देव जी आते हैं, अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं और लंगर वीर जी उनको रोक रहे हैं। उनका युद्ध होने लगा और माता जी सारी लीला योग माया द्वारा देख रही थी। जब वो नहीं रुका तो तब माता जी अंत में अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसका शीश काट दिया, जिससे उनका धड़ यहीं पर गिर पड़ा, वह भी विद्यमान है और उनका शीश भैरव घाटी पर गिरा। उस समय अंत समय में भैरव जी ने जो प्रायश्चित की भावना से गिर गिराते हुए प्रार्थना की कि हे माँ, मैं पापी था, आगे आने वाले समय मुझे लोग पापी कहेंगे, मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो माता जी का हृदय सदैव दया से भरा रहता है। उस समय जो दो वरदान दिए कि भक्तजन जब भी मेरे दर्शन के लिए आएंगे तब वो तेरे धड़ के ऊपर से होते आएंगे, जिससे और फिर मेरे दर्शन करेंगे जिससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और फिर मेरे दर्शनों के पश्चात भैरव घाटी पर गिरे हुए तेरे दर्शन के शीश के दर्शन करेंगे जिससे उनकी यात्रा सफल हो जाया करेगी। तभी से ये भक्तों की परम धारणा बनी रहती है और वो माता जी के दर्शनों के पश्चात भैरव घाटी पर गिरे हुए इनके शीश के दर्शन करना ही भूलते और मन में ये परम धारणा करते हैं कि हमारी यात्रा सफल हो गई। उधर श्रीधर जी मन में जो विचार कर रहे हैं कि माता जी ने सभी को अपनी इच्छा अनुसार वैष्णव भोजन दिए, मैंने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया, यही सोचते सोचते उनको नींद आ गई, ब्रह्म मुहूर्त में नींद आई और स्वप्न में देखते हैं कि हंसाली नाम गांव से ये भवन तक का जो दुर्ग मार्ग था जंगली, वो माता जी सारा मार्ग दिखा रही हैं और अपने उन्होंने स्वप्न में ही 3 पिंडियों के दर्शन भी दिए।
ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न था, उनको स्मरण था और वो स्नानोपरांत चल पड़े उसी मार्ग से और जहाँ पर आकर के उन्होंने माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती प्रथम बार दर्शन कीजिए। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। विधि पूर्वक षोडशोपचार पूर्ण किया, प्रार्थना की और जैसे ही प्रणाम किया तो दिव्य पिन्नियों से माता जी की दिव्य वाणी प्रस्फुट हुई, जिसने कहा कि श्रीधर, मैं जानती हूँ कि तू अपुत्री है, निसंतान है, तेरे घर संतान नहीं है। अभी मैं तुझे एक नहीं चार पुत्र का वरदान दूंगी जो क्रमशः मेरी पूजा का भार संभालेंगे और तभी से श्रीधर जी का जो वंश है जो माता जी पूजा करता चला आ रहा है। आप सभी सौभाग्यशाली एक पुण्यकर्मी है जिनको आज उन्हीं के धाम में उन्हीं माता महाशक्तियों के तीनों शक्तियों के जिनके श्रीधर जी प्रथम दर्शन किए, माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी जो आदिकाल से संपूर्ण विश्व भर में संयुक्त रूप से केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती ही आपको शक्ति, ऐश्वर्य एवं ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और उन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती जा रही हैं, जिस पे आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं और इन्हीं के साथ बाएं हाथ पाड़ी पार प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुकता प्रहलाद जी और साथ में महाराज जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के त्यागन से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं। ओम ऐं ओम अथवा ओम ऐं सरस्वती नमः इसका जाप करने से विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। ह्रीं के चारण से आपको दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर किसी देश देश में सिद्धिमान प्राप्त होता है और क्लीं के चारण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रु रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे बिच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे बिच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे। 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 सचियां जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेर वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नानोपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते ही माता बेटों योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मनिंद्र जी से अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मनिंद्र। जयकारा शिरवंदा बोल सच्चे दरबार की जय। आज मेरी मां ने आउना है सारी संगत जय जय बोलो। आज मेरी मां ने आउना है सारी संगत जय जय बोलो। आज मेरी मां ने आउना है सारी संगत जय जय बोलो। आज मेरी मां ने आउना है सारी संगत जय जय बोलो। मेरा वाली ने आउना है सारी संगत जय जय बोलो। मेरा वाली ने आउना है सारी संगत जय जय बोलो। ओ मेरा वाली ने आउना है सारी संगत जय जय बोलो। मेरा वाली ने आउना है सारी संगत जय जय बोलो। आज मेरी मां ने आउना है सारी संगत जय जय बोलो। आज मेरी
ताली की आवाज धीमी है, सही वक्त हाथ को उठाकर माता को हाजिर देंगे और उठा बोलेंगे मिल करके फर्श बिछावा जिस रास्ते मेरी मां ने आना अखियां का फर्श बिछावा ओ खोल बिठा के जग जननी नू दिल दा हाल सुनावा खोल बिठा के जग जननी नू दिल दा हाल सुनावा ओ जिस रास्ते मेरी मां ने आना अखियां का फर्श बिछावा जिस रास्ते मेरी मां ने अखियां दा फर्श बिछावा बोल बिठा के जग जननी नू दिल दा हाल सुनावा बोल बिठा के जग जननी नू दिल दा हाल सुनावा होनी मैं हाल सुनाना है सारी संगत जय जय बोलो नी मैं हाल सुनाना है सारी संगत जय जय बोलो होनी मैं हाल सुनाना संगत जय जय बोलो मेरे हाल सुनाना है सारी संगत जय जय बोलो आज मेरी मां ने आना है सारी संगत जय जय बोलो आज मेरी मां ने आना है सारी संगत जय जय बोलो मेरा वाली ने आना है सारी संगत जय जय बोलो मेरा वाली ने आना है सारी संगत जय जय बोलो ओ छनक रही तेरी पैरां दी पायल छनक रहा तेरा चूड़ा छनक रही तेरी पैर दी पायल छनक रहा तेरा चूड़ा ओ अपने राम दा रंग चढ़ाई गूड़ा अपने नाम दा रंग चढ़ाई राम चढ़ाई गूड़ा छनक रही तेरी पैरां दी पायल छनक रहा तेरा चूड़ा छनक रही तेरे पैरां दी पायल छनक रहा तेरा चूड़ा ओ अपने नाम दा रंग चढ़ाई गूड़ा अपने नाम दा रंग चढ़ाई गूड़ा होनी मैं रंग चढ़ाना है सारी संगत जय जय बोलो नी मैं रंग चढ़ाना है सारी संगत जय जय बोलो मैं रंग चढ़ाना है सारी संगत जय जय बोलो नी मैं रंग चढ़ाना है सारी संगत जय जय बोलो मेरी मां ने आना है सारी संगत जय जय बोलो आज मेरी मां ने आना है सारी संगत जय जय बोलो मेरा वाली ने आना है सारी संगत जय जय बोलो मेरा वाली ने आना है सारी संगत जय जय बोलो कुछ पाउणा है सारी
नच खुशी मनावा भजन टोलत बाजे मैं भी नच नच खुशी मनावा भजन टोलत बाजे हो कर कर तेरी खजका आईया हो रहे जगराते कर कर तेरी खजका आईया हो रहे जगराते मैं भी नच नच खुशी मनावा भजन टोलत बाजे मैं भी नच नच खुशी मनावा ओ मैं ता नचना गाउना है सारी संगत जय जय बोलो मैं ता नचना गाउना है सारी संगत जय जय बोलो मैं नचना गाउना है सारी संगत जय जय बोलो मैं ता नचना गाउना है सारी संगत जय जय दरबार की जय एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल जय करा शरवणा हो सच्चे दरबार की जय जय करा शरवणा बोल सच्चे दरबार की जय धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हमैया धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार हमैया ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार दुनिया तेरा नाम जपे हो दुनिया तेरा नाम जपे तेरी जय जयकार ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार लक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी सरस्वती माँ लक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण बिहारी आदि शक्ति आदभवानी तेरी शेर सवारी शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी आदि
शक्ति याद भवानी तेरी शेर दुआरी तेरी जय जयकार दुनिया तेरा नाम जपे ओ दुनिया तेरा नाम जपे ओ मुझे धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हमें ओ धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार भवन में होती है तेरी जय जयकार सूरज चांद सितारे तुझसे मुझे आधा ले जाए हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे आगे शीश झुकाए सूरज चांद सितारे तुझसे मुझे आधा ले जाए देवलोक की देवी मैया तेरे ही गुण गाए मानव करे जो तेरी भक्ति भव सागर तरे जाए हाँ देवलोक के देव भी मैया तेरे ही गुण गाए मानव करे जो तेरी भक्ति भव सागर तर जाए भवन में होती है तेरी जय जयकार दुनिया तेरा नाम जपे दुनिया तेरा नाम जपे मुझे संसारों में धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मुझे भवन में होती है तेरी जय भवन में होती है तेरी जय जयकार जयकार शेरवाली दा बोलते दरबार की एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार जयकार शेरवाली दा बोल सच्चे दरबार की जय हे मां पहाड़ों वाली जल भरने है आई पहाड़ों वाली जल भरने है आई पहाड़ों वाली जल भरने है आई पहाड़ों वाली
जल भरने आई पहाड़ों वाली जल भरने आई दरबारों वाली जल भरने पहने सुंदर सुंदर डाले गहने लाल लाल मावस्तर पहने सुंदर सुंदर डाले गहने लाल लाल मां बस्तर पहने सुंदर सुंदर डाले गहने लाल लाल मावस्तर पहने सुंदर सुंदर डाले गहने ओ लाल है चूड़ा लाल चुनरिया दरबारों वाली जल भरने है आई दरबारों वाली जल भरने है आई पहाड़ों वाली जल भरने है आई पहाड़ों वाली जल भरने सारे गमदा मादारे सारे गागरे सारे गमदा मादारे सारे गागरे सा अमर सहुला सुबह सवेरा सखियों ने मां पाया घेरा तबेला सुबह सवेरा सखियों ने मां पाया घेरा तबेला सुबह सवेरा सखियों ने मां पाया घेरा ओ देव मुनि सब देखत रह गए देव मुनि सब देखत रह गए ओ देव मुनि सब देखत रह गए रचाई दरबारों वाली जल भरने आई दरबारों वाली जल भरने है आई पहाड़ों वाली जल भरने है आई पहाड़ों वाली जल भरने है आई दरबारों जल भरने है आई पहाड़ों वाली जल भरने है आई सखियों संग मां देवा रानी चल पड़ी अंबे कल्याणी सखियों संग मां देवा रानी चल पड़ी अंबे महारानी सखियों संग मां देवा रानी चल पड़ी अंबे कल्याणी सखियों संग मां देवा रानी पहुंच गई गंगा पर माता पहुंच गई गंगा
दरबारों वाली जल भरने है आई दरबारों वाली जल भरने है आई पहाड़ों वाली जल भरने है आई पहाड़ों वाली जल भरने मालिक कुल संसार की माता जे है दाता विष्णु विधाता मालिक कुल संसार की माता जे है दाता विष्णु विधाता मालिक कुल संसार की माता जे है दाता विष्णु विधाता मालिक कुल संसार की माता जे है दाता विष्णु विधाता ओ कुल दुनिया को तारने वाली तकलीफ उठाई दरबारों वाली जल भरने है आई दरबारों वाली जल भरने गंगा माने हाथ बढ़ाए पकड़ी गागर वचन सुनाए पकड़ी गागर वचन सुनाए गंगा माने हाथ बढ़ाए पकड़ी गागर वचन सुनाए गंगा माने हाथ बढ़ाए पकड़ी गागर वचन सुनाए हो देवा माँ मैंने आज से तुझको अपनी भेंट चढ़ाई दरबारों वाली जल भरने है आई दरबारों वाली जल भरने है आई पहाड़ों वाली जल भरने है आई पहाड़ों वाली जल भरने गल उठाई दरबारों वाली जल भरने है आई दरबारों वाली जल भरने है आई नाचती नाचती गाती गाती पर्वत पर्वत आती आती नाचती नाचती गाती पर्वत पर्वत आती आती ओ गंगा माता सुमिरन करके गंगा माता सुमिरन करके ओ गंगा माता सुमिरन करती गंगा माता सुमिरन करती ओ गुफा में आनु समाई दरबारों वाली जल भरने है आई दरबारों वाली जल भरने है आई पहाड़ों वाली जल भरने है आई दरबारों वाली जल भरने जाते जाते माँ मुस्काते भक्तों को माँ वचन सुनाते जाते जाते माँ मुस्काते भक्तों को माँ वचन सुनाते जाते जाते माँ मुस्काते भक्तों को माँ वचन सुनाते जाते जाते माँ मुस्काते भक्तों को माँ वचन सुनाते ओ गंगा माता सुमिरन करती गंगा में आन समाई दरबारों वाली
बल भरने हैं आई दरबारों वाली जल भरने हैं आई पहाड़ों वाली जल भरने हैं आई दरबारों वाली जल भरने हैं आई पहाड़ों वाली जल भरने वैष्णो माता जी हमारे जहाँ जम्मू के डुगर प्रदेश में प्रकट हुई हैं, प्रस्तुत है उन्हीं के चरणों में जम्मू की प्रादेशिक एवं मातृभाषा में डोगरी हैं। ओ शुरू होई गे न जम्मू आंदे पहाड़ मित्रा शुरू होई गे न जम्मू आंदे पहाड़ मित्रा पूरा लब्बा दे न माता दे छुआड़ मित्रा ओ पूरा लब्बा दे न माता दे छुआड़ मित्रा शुरू होई गे न जम्मू आंदे पहाड़ मित्रा मेरे कन्ने कन्ने आदा काशनी समान मेरे कन्ने कन्ने आदा काशनी समान मेरी जिंदगी बल्ले बल्ले आवाज़ रमान मेरी जिंदगी बल्ले बल्ले आवाज़ रमान मेरे कन्ने कन्ने होई गेन पहाड़ मित्रा मेरे कन्ने कन्ने होई गेन पहाड़ मित्रा होई गेन जम्मू आदे पहाड़ मित्रा शुरू होई गेन जम्मू आदे पहाड़ मित्रा किंगरे पाड़े दे मिकी कोल सता दे किंगरे पाड़े दे मिकी कोल सता दे आज देश पर देश होए कोल अटा दे आज देश पर देश होए कोल अटा दे मैं मिलाने अज मिलाने अज मऊ दे द्वार मित्रा मिलाने अज मऊ द्वार मित्रा शुरू होई गे न जम्मू आंदे पहाड़ मित्रा मेरे कन्ने कन्ने दिखो इत भागा दिए तो मेरे कन्ने कन्ने दिखो इत भागा दिए तो दिखा कुत्ते नहीं दिखा आवाजानी था कुत्ते दिखा कुत्ते नहीं दिखा आवाजानी था जम्मू आंदा पड़ा गुआड़ मित्रा जम्मू आंदा पड़ा गुआड़ मित्रा होई गे न जम्मू आंदे पहाड़ मित्रा शुरू होई गे न जम्मू आंदे पहाड़ मित्रा मिठी मिठी मिगी डोगरी दी आवाज़ी आवाज़ मिठी मिठी मिगी डोगरी दी आवाज़ी आवाज़ डोगरे दा इत्थे छड़ा डोगरे दा राज शहर डोगरे दा इत्थे डोगरे दा राज चला मेरे हो चला मेरे कटड़े दी कार मित्रा चला मेरे कटड़े दी तार जम्मू आंदे पहाड़ मित्रा शुरू होई गे न जम्मू आंदे पहाड़ मित्रा पूरा लब्बा दे न माता दे छुआड़ मित्रा पूरा लब्बा दे न माता दे छुआड़ मित्रा मैं मिलाने अज मऊ दे द्वार मित्रा मिलाने अज माता दे छुआड़ मित्रा मेरे जम्मू आंदा ओपड़ा गुआड़ मित्रा मेरे जम्मू आंदा ओपड़ा गुआड़ मित्रा हुन चला मेरे कटड़े दी कार मित्रा हुन चला मेरे कटड़े दी कार मित्रा शुरू होई गे न जम्मू आंदे पहाड़ मित्रा सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय रातर भजामी भजताम अभिलाष दात्री दात्री समस्त जगताम दुरितापहंत्री संसार बंधन विमोचन हेतु भूता माया पराम समधिगम परस विष्णु सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय आज
ਬਿਕਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਬਤ 2076 ਉਤਰਾਇਣ ਉਤਰਗੋਲ ਗ੍ਰੀਸ਼ਮ ਰਿਤੂ ਵਿਸਾਖ ਮਾਸ ਕੇ ਅੱਜ 21 ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਕਸ਼ੀ ਅੱਜ ਅਮਾਵਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਦ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਮਈ 2019 ਕੇ ਦਿਨ ਦੁਰਗਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਮ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸਭੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਤਪੋਵਨ ਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ। ਅਤਹ ਆਪ ਸਭੀ ਸੌਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਏਵਂ ਪੁਣਿਆ ਕਰਮੀ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖ ਮਾਸ ਕੀ ਸ਼ਨੇਸ਼ੀ ਅਮਾਵਸ ਕੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ। ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਕਿਸੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਮੇ ਸਨਾਨ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾਨ ਸੇ ਅੱਖੇ ਫਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭੀ ਕਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਇਸ ਦਿਵਿਆਂਗਨ ਮੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਏਵਂ ਅਭਿਨੰਦਨ। ਤਦਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਵਿਸ਼ਵ ਕੇ ਸਭੀ ਮਾਤ੍ਰੀ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਭੂਰੀ ਭੂਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਵ ਪੁੱਤਰਵਾਨ ਭਵ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਯਸ਼ਸੀ ਭਵ ਪ੍ਰਗਿਆਵਾਨ ਭਵ ਭੂਰੀ ਭੂਤਿ ਕਰਨੇ ਦਾਨੇ ਕਨਿਸ਼ਠੋ ਭਵ ਤੇਜਸੀ ਭਵ ਬੈਰੀ ਦਰਦਲਨੇ ਵਿਆਪਾਰ ਦਖਿਓ ਭਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਭੂਰ ਭਵ ਪਾਦ ਪੂਰਨਤਾ ਸਰਵੋਪਕਾਰੀ ਭਵ ਮੰਤ੍ਰਾਰਥਾ ਸਫਲਾ ਸੰਤੁ ਪੂਰਨਾ ਸੰਤੁ ਮਨੋਰਥਾ ਸ਼ਤੂਨਾ ਬੁੱਧਿ ਨਾਸ਼ੋ ਅਸਤੁ ਮਿੱਤ੍ਰਾਣਾਮ ਉਦਯਸਤਵ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਚਸਵ ਆਯੁਸ਼ਮਾਰੋਗ੍ਯਮਾਭਿਧਾ ਸ਼ੁਭਮਾਨੰ ਮਹੀਯਤੇ ਧਨੰ ਧਾਨ੍ਯੰ ਪਸ਼ੂੰ ਬਹੁਪੁੱਤ੍ਰਲਾਭੰ ਸਤਸੰਵਤ੍ਸਰੰ ਦੀਰਘਮਾਯੁ ਅਸਤੁ ਦੀਰਘਮਾਯੁ। ਆਪਕੀ ਦੀਰਘਾਯੁ ਹੋ, ਆਪਕਾ ਆਰੋਗਯਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ, ਆਪ ਧਨ ਧਨ ਸੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋ। ਜਿਨ ਮੰਤਰੋਂ ਕਾ ਆਪਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਆ ਇਹ ਸਭੀ ਸਫਲ ਏਵਮ ਸਾਰਥਕ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਦੈਵ ਧਰਮਾਨੁਕੂਲ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਨਤੀ ਮਾਰ ਪਰ ਅਗਰਸਰ ਹੂੰ। ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਅਭੀ ਸਭੀ ਭਕਤਿਆਂ ਉੱਚ ਸਵਰ ਚ ਬੋਲਤੇ ਹੋਏ ਤਾਲੀ ਵਜਾਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਰਤੀ ਬੋਲੇਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਪਰ ਆਰਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਪੁਸਤਕਾ ਕੇ ਅੰਤ ਪਿਛਾ ਵੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਸਭੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੋ ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮਾ ਗੌਰੀ, ਭਈਆ ਜੈ ਮੰਗਲ ਕਰਨੀ, ਭਈਆ ਜੈ ਆਨੰਦ ਕਰਨੀ। ਤੁਮ ਕੋ ਨਿਸ ਦਿਨ ਧਿਆਵਤ, ਭਈਆ ਜੀ ਕੋ ਨਿਸ ਦਿਨ ਧਿਆਵਤ, ਜੈ ਮਹਾ ਨਿਭਰੀ। ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਭਈਆ ਦੀ ਕੋ ਮਿਗ ਮਤ ਕੋ, ਜਲ ਸੇ ਦੋ ਨੈਣਾ, ਹੋ ਜਲ ਸੇ ਦੋ ਨੈਣਾ, ਚੰਦ ਬਦਨ ਨੀ ਕੋ। ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ, ਕਨਕ ਸਮਾਨ ਕਲੇਵ ਰਾਤਾਂਬਰ ਰਾਜੇ, ਭਈਆ ਰਾਤਾਂਬਰ ਰਾਜੇ, ਰਕਤ ਪੁਸ਼ਪ ਗਲ ਮਾਲਾ, ਰਕਤ ਪੁਸ਼ਪ ਗਲ ਮਾਲਾ, ਕੰਠਨ ਪਰ ਬਾਜੇ। ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ, ਜੇ ਹਰੀ ਵਾਹਨ ਰਾਜ ਖੜਗ ਕਪਰ ਧਾਰੀ, ਭਈਆ ਖੜਗ ਕਪਰ ਧਾਰੀ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਵਤ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਵਤ, ਦੁਖ ਹਾਰੀ। ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ, ਕਾਨਨ ਕੁੰਡਲ ਸ਼ੋਭੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਮੋਤੀ, ਭਈਆ ਦਾਤਾ ਦੇ ਮੋਤੀ, ਕੋਟਿਕ ਚੰਦ ਦਿਵਾਕਰ, ਕੋਟਿਕ ਚੰਦ ਦਿਵਾਕਰ, ਸਮਰਾਜਤ ਜੋਤੀ। ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ, ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੀ ਰੋਜ
सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुरारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, कल मेरे बोलो जय माता दी, आवे वेला जय माता दी, दादा वेला जय माता दी, आत वेला जय माता दी, आप बुलांदी जय माता दी, कष्ट कटांदी जय माता दी, फेरा करदी जय माता दी, झोलियां भरदी जय माता दी, घरे खजाने जय माता दी, सोलायां ने जय माता दी, भरदी जय माता दी, जय माता दी, लाल देंगे जय माता दी, माने सुनिया जय माता दी, उच्ची बोलो जय माता दी, हाथ भी खोलो जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, चोलियां वाली जय माता दी, चूड़ियां वाली जय माता दी, चूड़ियां वाली जय माता दी, हारा वाली जय माता दी, मंदरा वाली जय माता दी, घंटियां वाली जय माता दी, घंटियां वाली जय माता दी, द्वारा वाली जय माता दी, भवना वाली जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, रूपा वाली जय माता दी, हाथ धोवानी जय माता दी, जग कल्याणी जय माता दी, मां महारानी जय माता दी, चंडी रानी जय माता दी, वैष्णो देवी जय माता दी, मां महाकाली जय माता दी, छप्पर वाली जय माता दी, शक्ति देवी जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, गर्गद्वारी जय माता दी, हरे खजाने जय माता दी, 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 बुद्धि जय माता दी, भक्ति जय माता दी, जय जय अम्बे, 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 सच्चियां रोतावाली माता की सदाई जय। जय करा श्री राम वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके
माता जी के चरणों प्रार्थना करेंगे। ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मे परमम सुखम, देही मे परमम सुखम, रूपम देही जयम देही, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो जही, यशो देही दिशो जही, सर्वमंगल मंगल्ये, सर्वमंगल मंगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, शरणागत दीनाथ, शरणागत दीनाथ, परित्राण परायणे, परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी, सर्वस्यार्ति हरे देवी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सर्वशक्ति समन्विते, सर्वशक्ति समन्विते, भयवस्त्राहिनो देवी, भयवस्त्राहिनो देवी, दुर्गे देवी नमोस्तुते, दुर्गे देवी नमोस्तुते, सर्वावाधा प्रशमनम्, सर्वावाधा प्रशमनम्, त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यम्, एवमेव त्वया कार्यम्, अस्मद्वैरी विनाशनम्, अस्तं वैरी विनाशनम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री प्रियराज महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्तजन बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। रथ में गुरु जी को वंदना, आज करे शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय माँ, आनंदे आनंद करो कल्याणे कल्याण, मैया पर जो सट गड़ी जो चरा दा ध्यान जय Thank you.
आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जकारा शेरवालिदा। गौरीकास्म नमन सिद्धिदाती
हेलो हेलो